एज ही रेड ऑन जैसे जैसे वो पढ़ते गए पन्ने पलटते गए एज ही रेड ऑन जैसे जैसे पढ़ते गए गंगाधर पंत बिगैन टू अप्रीशियट द इंडियन ही हैड सीन टू अप्रीशियेट करना मतलब प्रशंसा करना टू अप्रीशियट करना मतलब सही तरीके से समझना आई अप्रीशियेट योर कंसर्न कंसर्न मैंने चिंता मैं तुम्हारे चिंता को समझता हूँ सराहना करना टू अप्रीशिएट मतलब सराहना करना भी होता है टू अप्रीशिएट मतलब सही तरीके से समझना भी होता है दो अर्थ होते हैं टू अप्रीशियेट के सही तरीके से समझना और सराहना करना यहाँ पर क्या मीनिंग होगा एज ही रेड ऑन जैसे जैसे वो पढ़ते गए गंगाधर पंत बी गैन टू एप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन जैसे जैसे वो पढ़ते गए वैसे वैसे भारत को जैसा उन्होंने समझा उसकी सराहना करते गए जैसा जैसा उन्होंने भारत को समझा पढ़ते हुए तो उसकी सराहना करने से नहीं रुक रोक सके अपने को वो उनको अच्छा लगने लगा अच्छे भारत के बारे में उनको उनको लगा भारत एक अच्छा देश है शुरू में तो क्या सोच रहे थे शुरू में तो उनको लग रहा था अरे भारत वही इंग्लैंड वाले हैं पुराने अंग्रेज भी हैं पारसी लोग हैं उन्हीं लोगों का शासन चल रहा है उन्हीं की बिल्डिंग है उन्हीं की सड़क है लंदन की सड़क दिख रही है बाकले दिख रहा है बूट्स एंड जो कॉटन की दुकान दिख रही है इंग्लैंड लंका शहर दिख रहा है क्या क्या दिख रहा था अब वो कहते नहीं स्टार्ट टू appreciate करना मतलब प्रशंसा करना सराहना करना टू appreciate मतलब सही दृष्टि से समझना दो अर्थ हैं तो जैसे जैसे गंगाधरन पढ़ते गए अब वो भारत को सही तरीके से समझते गए इट वॉज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन इट वॉज ए कंट्री ये एक ऐसा देश है जो गुलामी सफेद लोगों की गोरे लोगों की गुलामी के लिए नहीं बना है टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मतलब विषय टू सब्जेक्ट टू मतलब किसी के अंतर्गत लाना और सब्जेक्ट टू का एक और अर्थ है बशर्ते यू विल कम सब्जेक्टेड टू नो रेंज तुम आओगे बशर्ते पानी ना गिरे सब्जेक्ट टू देर इज नो रेंज सब्जेक्टेड टू यहाँ पे क्या अर्थ है दे हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी उन्हें गुलामी आ, गुलामी से में रखा गया फॉर वाइट मैन गोरे लोगों की गुलामी से रखने के लिए सो दे हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर वाइट मैन उनका कहना था गायतोंडे जी पढ़ते हैं और उनको लगता है कि गोरे लोगों की गुलामी के लिए भारतीय नहीं बने हैं इट वॉज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट ये वो देश है जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया है इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एक वचन होता है फुट एफ डबल ओ डी एक पैर के लिए हम बोलेंगे फुट और एक से ज्यादा पैर के लिए हम बोलेंगे फीट देखिए फीट की स्पेलिंग एफ टी -E बहुवचन है सो इट्स हेडलान ये वो देश नहीं है जो अंग्रेजों की गुलामी के लिए बना है ये वो देश है अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है एंड न्यू वॉट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज और जानता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान सेल्फ सफिशंट मतलब आत्मनिर्भर और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान आई एम वर्किंग आई हैव लेफ्ट दैट जॉब फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने वो काम अपने आत्मसम्मान के खातिर छोड़ दिया है क्योंकि वो काम मुझे मेरी आत्मा को चोट पहुंचाता था सो इट इंडिया हैज लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स एंड न्यू वॉट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है ये भारत जानता है और भारत समझ गया है कि अपने पैरों पे कैसे खड़े होना भारत देश कोई अंग्रेजों की गुलामी के लिए नहीं बना है फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन इट द ब्रिटिश टू रिटेन अब यहां पर देखिए गाय तोंडे जी को मालूम है कि अंग्रेजों ने भारत में शासन किया एक और उनके मन में वो दुविधा चल रही है कि अंग्रेज आए क्यों और फिर उसका खुद ही उत्तर देते हैं अब जैसा उन्होंने कहा कि वो लोग भारत आए प्योरली फॉर कमर्शियल रीज़न व्यापारिक उद्देश्यों से ही भारत आए फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ क्योंकि उनकी शक्ति बहुत मजबूत थी क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत ताकतवर हो गए थे शक्तिशाली हो गए थे दुनिया में तो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ ताकत की स्थिति में थे वो और व्यापार उनका उद्देश्य था व्यापार के कारणों से इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू सेटल डाउन इन एन एरिया अराउंड बॉम्बे मतलब गायतवांडे जी अब अपने को स्वयं को स्वयं को उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग भारत आए पर भारतीयों की पोजीशन उस समय बहुत मजबूत थी तो भारतीयों ने मजबूत पोजीशन में रहते हुए फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर कमर्शियल रीज़न व्यापारिक उद्देश्य से उन्हें बम्बई के आसपास बसने दिया इसका मतलब उनका कहना था गायतोंडे जी का वो लोग इसलिए नहीं आए कि हम कमज़ोर थे वो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि हम गुलामी की दास्तान में रहने के आदि थे वो लोग तो आए क्योंकि हमने उनको अलाउ किया वी अलाउड दम ऐसा कहते हुए गायतोंडे जी अपने को गौरवान्वित कर रहे हैं और ये सब सपने में हो रहा है ये सब कोमा में हो रहा है ये सब अनरियल वर्ल्ड में हो रहा है सो so गायतोंडे जी ही फील कि वी अलाउड देम टू कम वी वांटेड देम टू कम हमने उनको आने का अनुमति दी वो लोग जबरदस्ती हम पे नहीं हमला किया हमने आने की अनुमति दी व्यापारिक उद्देश्य थे ताकि व्यापार करें और इसीलिए चार चार कंपनियां भारत में आके व्यापार करने के लिए उत्सुक थी और बॉम्बे के आसपास हमने उनको एक क्षेत्र दे दिया मतलब उप महाद्वीप भारत एक इतना विशाल देश था उस समय जिसमें पाकिस्तान भी था अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था म्यांमार का भी कुछ हिस्सा था और बांग्लादेश तो था ही तो एक तरीके से वो महाद्वीप नहीं था तो उप महाद्वीप से भी कम नहीं था और इसीलिए इस क्षेत्र को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं सब कॉन्टिनेंट सब मतलब उप कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप आउटपोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आउटपोस्ट एक किनारा दे दिया गया उनको और वो हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से दिया कमजोर डर के कारण नहीं दिया हमने उनको अनुमति दी ठीक है आओ रहना है तो यहां रहो दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन दू थाउजेंड वन और गायतोंडे जी अब सोच रहे हैं कि वो जो लीज थी लीज मतलब क्या होता है जमीन किराए पे देना लीज मतलब जमीन को किराए पे देना तो ये जो जमीन को किराए पे देने का जो एग्रीमेंट उस समय के भारतीय शासकों ने अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से किया उसका काल 2001 में समाप्त हो रहा था ऐसा गायतोंडे जी सोच रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908 और ये संधि 1908 में हुई थी जिसके तहत अंग्रेजों को बम्बई के आसपास रहने की अनुमति मिली और वो अनुमति थी करीब करीब पंचानवे साल की जो 2001 में समाप्त हो रही थी सच्चाई तो यह है कि अंग्रेज भारत में 1600 में आ गए थे 1600 में आ गए थे द फर्स्ट इंग्लिश टॉमस रो कम्स टू इंडिया इन 1605 हंड्रेड एंड फाइव सोलह यहाँ पर गायतोंडे जी चूंकि किसी और दुनिया में हैं काल्पनिक दुनिया में हैं वो सोच रहे हैं कि हमने तो अंग्रेजों को आने के लिए अनुमति दी अंग्रेज अंग्रेजों ने हम पे कोई दबाव नहीं डाला हमने अंग्रेजों से डरे नहीं और अनुमति दे के हमने कहा ये बम्बई के आसपास ही रहोगे और उनसे एक संधि पे साइन करवाया जिसका काल कब तक का था 2001 तक का था गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प comparing द कंट्री ही न्यू विथ वॉट ही वॉज विटनेसिंग ग्राउंड अराउंड हिम अब गंगाधर ही कुड नॉट हेल्प अब गंगाधर पंत जो हैं उनसे रहा नहीं गया क्या तुलना करना किसकी वो देश की वो भारत की जो उन्होंने जाना था उस भारत से जो अभी वो देख रहे थे उन्होंने जाना था क्या जो पढ़ा था और अभी क्या देख रहे थे जो सपने में देख रहे थे सो गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग दोनों में तुलना करने लगे मैंने पढ़ा क्या था और सच्चाई में जो पढ़ा था वो जो पढ़ा था वो तो सच्चाई थी मैंने पढ़ा क्या था और मैं यहां क्या देख रहा हूं वट इज विटनेसिंग अराउंड हिम टू विटनेस मतलब देख दिखना और विटनेस मतलब गवाह भी होता है जो देखे वह विटनेस भी कहलाता है जो देखे वह गवाह गवाह मैंने विटनेस और टू विटनेस मतलब देखना आई वेंट टू सी आई वेंट टू विटनेस द फुटबॉल मैच मैं फुटबॉल मैच देखने गया तो गाय तोंडे जी सोच रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था और मैं क्या देख रहा हूं सपने में क्या देख रहा हूं इसकी तुलना करने लगे बट एट द सेम टाइम बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दे इन्वेस्टिगेश इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन मतलब खोजबीन एट द सेम टाइम अब उनको एट द सेम टाइम उसी समय जिस क्षण वो तुलना कर रहे थे कि मैंने क्या पढ़ा था और यहाँ क्या देख रहा हूं मैं सपने में सपने में किताबें पढ़ते हुए मैं किस दुनिया में गया हूँ और कैसे भारत को देख रहा हूँ जिस समय वो सोच रहे थे उसी समय उनको महसूस होता है कि मेरी खोजबीन जो है वो अधूरी है आपको याद है वो खोजबीन के लिए निकले थे प्रारंभ में ही मैंने बताया था शुरू में आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग दैट ही वॉन्टेड टू गो टू लाइब्रेरी आफ्टर द एक्सीडेंट टू लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ विक्ट्री ऑफ मराठा बनाम Ahmad Shah Abdali, to find out details about the third battle of Panipat, and so on. So now he feels, Ki my investigation is still not complete. On the one hand, he is comparing the two things, the real India, what he had read, and the India, what he had read in the child, and the India that he was reading now. At the same time, ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग ओह माई इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल नॉट कम्प्लीट हाउ डिड द मराठा विन द बैटल मराठा लड़ाई जीते कैसे थे क्या कारण थे क्या किया था उन्होंने वो घटना कौन सी थी जिसने मराठाओं को विजयी बना दिया कई सवाल आने लगे हाउ डिड मराठा विन सफलता के उनके कारण क्या थे टू फाइंड आउट द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इट सेल्फ अकाउंट मतलब डिटेल्स इसका उत्तर जानने के लिए उन्हें लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा खोजना पड़ेगा लड़ाई के बारे में विस्तार से अभी तक जो पढ़ लिए वो तो भारत की कहानी हो गई थी अट्ठारहवीं शताब्दी का भारत उन्नीसवीं शताब्दी का भारत बीसवीं शताब्दी का भारत डेमोक्रेसी पार्लियामेंट शहनशाह ये सब पानीपत की लड़ाई का हिस्सा नहीं है ठीक है इसको पढ़ने से मैं आप कंपेयर कर रहा हूं दो भारत की लेकिन इससे मेरी खोज भी पूरी नहीं हो रही है मुझे तो जानना है कि बैटल ऑफ पानीपत में ऐसा क्या हुआ था जिससे मराठा जीत गए थे तो मुझे तो अभी और पढ़ना पड़ेगा टू फाइंड आउट द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट लुक मतलब खोजना देखना डिटेल देखना पड़ेगा मुझे और किस चीज का बैटल का लड़ाई का और अध्ययन करना पड़ेगा ही वेंट थ्रू द बुक्स अब ये पांचवा वॉल्यूम भी खत्म हो जाता है उनके सपने में पांचवा वॉल्यूम भी पढ़ डालते हैं वो अपने सपने में और ये सब वो दो दिन के कोमा के काल में हो रहा है ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम अपने सामने सारी पत्रिकाएं और किताबों को उन्होंने चार्ट डाला एट लास्ट अंततः इवेंचुअली एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू क्लू मतलब हिंट किताबों के बंडल से उन्होंने एक वो किताब पाई जिससे उनको कुछ इशारा मिल गया कुछ हिंट मिल गया कुछ क्लू मिल गया एट लास्ट अंततः खोजे जा रहे थे किताबों को पढ़े जा रहे थे और वो किताब पांचवा वॉल्यूम भी खत्म हो गया उन्होंने कहा अरे सब खत्म तो हो गया ठीक है मैं दो भारत के बारे में समझ गया तुलना कर सकता हूँ लेकिन मेरा जो मुख्य विषय था कि लड़ाई में जीते कैसे इसका तो, तो, तो नहीं मिला मुझे और पढ़ना पड़ेगा फिर पलटते हैं पन्ने नई किताबें नई मैगजीन इतने में एक किताब मिल, मिल जाती है एक मैग एक किताब मिल जाती है जिससे उनको लगता है इसमें कुछ मेरे को मिल जाएगा मसाला इट वॉज वॉट दैट बुक वॉज भाऊ साहेबांची बखार उस किताब का नाम था भाऊ साहेबांची बखार जैसा कि किताब के शीर्षक से आपको लग रहा होगा ये मराठी किताब थी भाऊ साहेब पर लिखी हुई किताब थी ये किताब उनको मिल गई उनके हाथ पड़ गई

आई सेल्डम गो टू मार्केट मैं बहुत कम जाता हूं बाजार आई सेल्डम स्लीप इन afternoon. मैं बहुत कम सोता हूं दोपहर को सो सेल्डम ऑल दो ही सेल्डम रिलाई टू रिलाई ऑन मतलब निर्भर होना एक शब्द है टू रिलाई ऑन रिलाई के बाद हमेशा ऑन आता है याद रखेंगे ऑल दो ही सेल्डम रिलाईड ऑन बखार गुणगान जिसमें था भाऊ साहेब के बारे में जो जिसमें गुणगान था ऐसे गुणगान वाली किताबों पर वो बहुत कम निर्भर होते थे और कम से कम ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर हिस्टोरिकल एविडेंस एविडेंस तो आप समझते हैं एविडेंस मतलब प्रत्यक्ष चीचो घटना का जिसने देखा हो एविडेंस घटना का हिस्सा हो साक्ष्य जिसे हिंदी में कहते हैं साक्ष्य तो ऐतिहासिक साक्ष्य के लिए वो नॉर्मली गुणगान करते हुए किताबों पर निर्भर नहीं होते थे वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे ना गायतोंडे जी वो जानते थे कि गुणगान वाली किताबों में एक पक्षी घटनाक्रम दिया रहता है क्योंकि उसका उद्देश्य रहता है गुणगान करना प्रशंसा करना सो ऑल दो ही सेल्डम रिलाईड ऑन बखार फॉर हिस्टोरिकल एविडेंसेज ही फाउंड दम एंटरटेनिंग टू रीड टू एंटरटेन मतलब आनंद देना एंटरटेनमेंट आनंद के लिए एंटरटेनमेंट मतलब आनंद हम ये सब एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं वी डू इट ऑल फॉर एंटरटेनमेंट कैन यू एंटरटेन मी क्या तुम मेरे मुझे मेरी खातिर कर सकते हो सो टू एंटरटेन सो वो कभी वो कभी ऐसी किताबों पर निर्भर नहीं थे कम से तो कम एविडेंस के लिए साक्ष्य के लिए लेकिन हाँ आनंद के लिए उन किताबों को पढ़ लेते थे किसके लिए आनंद के लिए, लिए। हल्के हल्की फुल्की हल्का फुल्का अध्ययन करने के उद्देश्य से ऐसी किताबों को पढ़ लेते थे तो so,

डेड इज बैरिड उसको दफनाया जाता है इन हिंदू रिलीजन द डेड इज क्रीमेटेड सी आर ई एम ए टी डी टू क्रीमेट मतलब जलाना हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है मृत शरीर की इस्लाम धर्म में उसे दफनाने की प्रथा है तो बैरी एंड क्रीमेट तो Sometimes कभी कभी बैरिड इन द ग्राफिक्स बट डॉक्टर्ड अकाउंट बहुत बढ़िया लाइन है डॉक्टर्ड अकाउंट मतलब क्या होता अकाउंट मतलब डिटेल्स और डॉक्टर्ड मतलब क्या होता है छेड़खानी की है अकाउंट पीटी किया हुआ अकाउंट मैंने कुछ चिट्ठी लिखी थी एक लंबा पत्र लेख लिखा था यू हैव डॉक्टर्ड इट तुमने इसमें कुछ काटा पीटी कर दी है तुमने इसमें कुछ छेड़खानी कर दी है उसे कहेंगे डॉक्टर्ड यू आर टेलिंग मी ए डॉक्टर्ड स्टोरी तुम मुझे काटा पीटी हुई कहानी बता रहे हो कुछ उसमें से फैब्रिकेट कर रहे हो तोड़ मरोड़ के बता रहे हो उसे कहेंगे डॉक्टर्ड अकाउंट दिस वर्ड इज रिटर्न इन बोल्ड इन योर बुक सो टू डॉक्टर मतलब छेड़खानी करना छेड़खानी किसी लड़की या महिला से नहीं छेड़खानी मतलब लिखी हुई चीज में लिखा पढ़ी में घटनाक्रम में कुछ छेड़खानी कर देना कुछ काट छाँट कर देना कुछ तोड़ मरोड़ देना उसे कहते हैं डॉक्टर टू डॉक्टर तो कैसा अकाउंट डॉक्टर्ड अकाउंट कैसा डिटेल डॉक्टर्ड डिटेल बैरिड इन द डॉक्टर ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ सच्चाई का जर्म उनको दिखाई दिया कहाँ पर वो जो अकाउंट था उस किताब को जब वो पढ़े मराठी किताब को तो मराठी किताब में जो डॉक्टर्ड अकाउंट था तोड़ मरोड़ के जो उसमें लिखा गया था उसमें एक सच्चाई दफन थी जर्म ऑफ ट्रुथ सच्चाई का एक उसमें पुट उनको उस घटनाक्रम में जो लिखा हुआ था जो घटनाक्रम डॉक्टर्ड था उसमें उनको कहीं पे एक सच्चाई का सच्चाई दफन होती दिखाई दी कितना बढ़िया लिखा है ही फाउंड वन नाउ इन ए थ्री लाइन अकाउंट ही फाउंड वन नाउ इन ए थ्री लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वनाथ राव हैड कम टू बी किल्ड उन्हें तीन लाइन का एक विवरण मिलता है अकाउंट <coughs> मतलब विवरण और उस विवरण में वो क्या पाते हैं हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बी किल्ड विश्वास राव मृत्यु से मारे जाने से कितना निकट आ गया था हाउ क्लोज ही हैड कम क्लोज मतलब बंद होना और क्लोज मतलब निकट कम क्लोज टू मी क्लोज द डोर दोनों का अर्थ अलग है सो ही वॉज वेरी क्लोज टू किल्ड, किताब पढ़ने से उनको लगता है अरे एक घटनाक्रम ऐसा भी इस किताब में दिया हुआ तीन लाइन का जिसमें बताया है कि विश्वास राव मरते मरते बच गए हाउ क्लोज ही वॉज टू बीइंग किल्ड वो तीन लाइन का अकाउंट क्या था तो वो तीन लाइन क्या थी जिसको पढ़कर गाय तोंडे जी को लगा कि सदाशिव राव विश्वास राव मरते मरते बच गया था उस किताब की वो तीन लाइनें यहाँ पे उद्घित हैं एक्सर्प्स हैं एक्सट्रैक्ट हैं एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीली मीली मतलब भीड़ ऐसी भीड़ जो जहाँ पर बड़ा अस्त व्यस्तता चल रही है हलचल उसका उच्चारण देखिए एम एम डब ई ई एल इन द मीली मीली मतलब बहुत उथल पथल जहां मची हुई है एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीली वेयर द एंटायर वेयर द एलीट ट्रुप आर फाइटिंग एंड ही अटैक दम एलीट ट्रूप एलिट मतलब खास एलिट मतलब खास इसका पहले उच्चारण देखिए ई एल आई टी एलिट एलिट ट्रुप वेयर फाइटिंग जहां पर खास सिपाही खास फौज जहां पे लड़ाई लड़ रही थी वहां पर वो गया अपने घोड़े को लेकर उसने अटैक किया मीली मतलब जहां पे बहुत ज्यादा टकराव झगड़ा चल रहा था एंड गॉड वॉज मर्सीफुल मर्सीफुल मतलब दयालु और भगवान दयालु था देखिए गॉड शब्द जी ओ डी गॉड गॉड में जी जो है वो कैपिटल में है नियम कहता है कि आई को कहीं भी आएगा आई लेटर आई यानी मैं तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा और या कोई से भी व्यक्तिगत नाउन होंगे वो कैपिटल में होंगे पर्सनल नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आपका नाम मेरा नाम स्कूल का नाम कोई सा भी नाम आएगा उसका पहला अक्षर भी हमेशा कैपिटल में होगा लेकिन याद रखें गॉड भी कैपिटल में रहते हैं हमेशा क्योंकि गॉड एक है गॉड इज वन ये इस बात का स्पष्ट सूचक है कि भगवान एक है इसलिए देखिए बीच में रहते हुए भी गॉड का जी कैपिटल में है तो नेवर राइट जी इन स्मॉल अनलिस एन एंटिल यू आर राइटिंग गॉड्स हिंदू रिलीजन हैज मैनी गॉड्स तब जी स्मॉल रहेगा बट द गॉड इज ग्रेट जब ऐसा लिख रहे हैं तो जी कैपिटल रहेगा जो so हम आगे बढ़ते हैं एंड गॉड वॉज मर्सीफुल और भगवान दयालु था ईश्वर दयालु था ए शॉर्ट ब्रश्ड पास इथ ब्रश होना मतलब छू के निकल जाना ए कार ब्रश्ड पास मी ट्रेन ब्रश्ड पास मी द स्नेक ब्रश्ड मी सांप जो है वो मेरे बाजू से छू के निकल गया टू तो ब्रश पास्ट ब्रश मतलब ऐसा ब्रश नहीं टूथ ब्रश नहीं यहां पर ब्रश का अर्थ है छू के निकल जाना ए शॉट ब्रश्ड पास्ट इज ईयर शॉट क्या गोली बंदूक की गोली जो थी वो उसके कान को छू के निकल गई इवन द डिफरेंस ऑफ ए तिल वुड हैव लेट टू हिज डेथ तिल का अंतर भी यदि होता तिल जितना दूरी भी नहीं रहती यदि तो वो मर जाते कौन मर जाते विश्वास राव। असली लड़ाई में तो विश्वास राव मरे हैं गोली उनको लगी है अहमद शाह जीता और मराठा हारे हैं पर यहाँ पर इस किताब में पढ़ते पढ़ते गाय जी क्या पढ़ रहे हैं के सदा के विश्वास राव बच निकला वो तो मुख्य लड़ाई में जहां पर खूब लड़ाई चल रही थी मिली हो रहा था वहां पर ये पहुंचा था घोड़े के साथ उसने हमला भी किया उसके पास से गोली कान के पास से निकल गई कितनी दूरी से तिल के बराबर तिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सीशम सीशम तुल तिल के बराबर की दूरी के पास से गोली निकल गई और वो बच निकला नहीं तो वो मर जाता ये उनकी कल्पना में है कि विश्वास राव सदा बच निकला विश्वास राव बच निकला असली लड़ाई में तो मर गए थे एट एट ओ क्लॉक अब देखिए स्टोरी चेंजेस यहाँ तक उन्होंने किताब में पढ़ा चार लाइन कि वो बच निकला जब ये पढ़ा तब तक आठ बज गया रात का एट एट ओ क्लॉक नाइट द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर आपको याद है ना वो सपने में लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं कौन सी लाइब्रेरी टाउन हॉल की लाइब्रेरी गए तो थे टाउन हॉल में वहां उनको लाइब्रेरी भी मिल गई क्या खोजने गए थे पानीपत पत्री लड़ाई का डिटेल खोजने क्योंकि उनको एक डाउट था क्या डाउट था कि लड़ाई में जीता कौन था हारा कौन था मैंने क्या पढ़ा है और क्या सोच रहा हूं उस डाउट को क्लियर करने वो गए हैं सपने में और अब यहाँ सपने में ही ये लाइनें पढ़ते हैं और उसके थोड़ी देर बाद जो रिसेप्शनिस्ट है लाइब्रेरियन है वो पोलाइटली विनम्रता के साथ टू बी पोलाइट मतलब विनम्र होना विनम्रता के साथ रिमाइंड करती है उन्हें पुनः स्मरण कराती है रिमाइंड टू रिमाइंड मतलब पुनः स्मरण कराना उन्हें पुनः स्मरण कराती है कि प्रोफेसर साहब अब लाइब्रेरी के बंद होने का समय आ गया लाइब्रेरी इज क्लोजिंग फॉर द डे क्लोजिंग फॉर द डे अब दुकान के बंद होने का समय आ गया है अब लाइब्रेरी के बंद होने का समय आ गया है गंगाधर पंथ ने कहा ठीक है ही emerged from हिज थाट्स और वो जब सोच रहे थे जो कुछ उससे वो बाहर आए Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. He Gangadhar emerged from his thought. Emerged means bahar Or kahan emerged huye the? Gangadhar had emerged from the building. Which building? Victoria Terminus. You remember? Now here also he emerges from his thoughts. Apne soch se bahar aaye. Thought mani soch. और थॉट मैंने सोचा थिंक थॉट थॉट वहाँ सोचा और यहाँ थाट्स मैंने विचार सोच अपने विचारों से बाहर आए और फिर उन्होंने देखा लुकिंग अराउंड लुकिंग अराउंड ही नोटिस्ड ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल मैग्निफिसेंट मतलब शानदार उस शानदार हॉल में अब वो अकेले ही बचे थे जो पढ़ रहे थे अकेले पाठक बचे थे I beg your pardon. May I request you to keep these books here for my use? Ab Gai Tunde Ji, us librarian ke kehte hain, I beg your pardon. I beg your pardon, matlab, kripya meri baat chune. वैसे तो pardon का मतलब क्या होता है माफ करना Beg मतलब भीख मांगना मैं आपसे माफी की भीख मांगता हूं। इसका मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया याद रखेंगे मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन यहां पर क्या अर्थ हो रहा है आई बेग योर पार्टन मतलब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज टमोरो मॉर्निंग क्या आप मेरी इन किताबों को यहीं रहने देंगे ताकि कल सुबह आकर मैं इनका उपयोग कर सकू बाय द वेन डी यू ओपन बाय द वे मतलब जरा बताएं तो बाय द वे बाय द वे टेल मी वॉट टाइम यू आर कमिंग अरे जरा थोड़ा ये तो बताना कि कितने बजे आ रहे हो जरा ये बताना इसके लिए है अंग्रेजी में बाय द वे बाय द वे इज गोइंग टू रेन हाँ जरा ये मैं बता दू पानी गिरने वाला है बाय द वे का उपयोग कब होता है जब बात कुछ और हो रही है और हम कुछ और बात करना चाहते हैं तो ध्यान खींचने के लिए हम कहते हैं बाय द वे वे माने रास्ता यहाँ उसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन बाय द वे का अर्थ होता है थोड़ा ध्यान खींचने के लिए कुछ दूसरी बात करना हो या किसी कारण से कोई दूसरी बात करना हो तो बोलते हैं बाय द वे वन डू यू ओपन यू ओपन वेन डू यू ओपन मतलब आप लाइब्रेरी कब खोलते हैं वन डू यू ओपन दी लाइब्रेरी तो द लाइब्रेरी साइलेंट है गायब है तो so, जवाब मिलता है एट एट ओ क्लॉक सर सुबह आठ बजे देखिए ओ क्लॉक कैसा लिखा हुआ ओ क्लॉक ओ एपोस्ट क्लॉक मतलब बजे द लाइब्रेरी इन स्माइल्ड लाइब्रेरी मुस्कुराया मुस्कराया क्यों क्योंकि गायब तोंडे जी कह रहे थे यहाँ पे किताब रख देंगे क्या यहीं पर रहन देंगे मैं कल सुबह आके पढ़ूंगा So smiled. here was a user and researcher right after his heart। वो इसलिए मुस्कराया क्योंकि उसने पाया ये एक व्यक्ति है जो किताब का उपयोग कर रहा है हियर वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर और वास्तव में जो खोजबीन कर रहा है राइट आफ्टर हिज हार्ट आफ्टर हिज हार्ट मतलब पूरा तल्लीन होकर जो खोजबीन कर रहा है पढ़ाई कर रहा है लाइब्रेरी में पढ़ रहा है बहुत से लोग हमें से लोग लाइब्रेरी जाते हैं या तो टाइम पास करने या कुछ ऐसे पन्ने पलटने या किसी और काम से पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं सीरियस पढ़ाई आप बहुत कम लोग करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर उसको लगा अरे देखो वो मुस्कराया जब गायतोंडे जी ने कहा कि कल सुबह मैं फिर आऊँगा इनको यहीं रहने देंगे क्या तो मुस्कुराया क्योंकि उसने पाया हियर वॉज ए यूजर यहाँ एक उसको ऐसा उपयोग करने वाला मिला ऐसा शोध करने वाला मिला जो पूरे तल्लीनता के साथ आफ्टर हिज हार्ट हार्ट मतलब हृदय पूरे दिल से जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शब्द सम नोट्स ये लाइन को बहुत ध्यान से सुने शव करना मतलब हिलाना आ, कागजों को हिलाना एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल प्रोफेसर जैसे ही टेबल से हटे उन्होंने कागजों को हिलाया जो तितर बितर थे यहां वहाँ और उसके बाद ही शव देम इन टू हिज राइट पॉकेट अपने राइट पॉकेट में उन कागजों को डाल लिया। क्योंकि दिन भर में पढ़ते हुए उन्होंने कुछ 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 लिखा था सो ही शब्द मॉल हिलाने के बाद इन सबको इकट्ठा किया और अपनी जेब में से डाल दिया एबसेंट माइंडेडली देखिए यह शब्द क्या होता है एबसेंट माइंड एबसेंट माइंड मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में आप ऐसा व्यक्ति जो अनजाने में कुछ कर बैठे एबसेंट माइंडेडली अनजाने में दिमाग से एबसेंट गाय तोंडे जी वैसे ही कोमा में थे शरीर से वैसे ही निष्क्रिय थे दिमाग में वो किसी और दुनिया में थे उस दुनिया में रहते हुए उन्होंने लाइब्रेरी का दौरा किया <coughs> और लाइब्रेरी में उस दुनिया में रहते हुए गलती से अनभिज्ञता से अनजाने में ही ऑल्सो शब्ड द बखार इन टू हिज पॉकेट गलती से वो जो किताब थी बखार मराठी उसको भी गलती से एबसेंट माइंडेडली उन्होंने अपने बाएँ हाथ में बाएँ पॉकेट में डाल दिया आप देखते होंगे कई बार आ, गलती से हम किसी और की मोबाइल अपनी जेब में डाल देते हैं होता है ना ऐसा किसी के यहाँ जाते हैं तो कि हमने मोबाइल देखी अपनी मोबाइल तो रखी ही रखी और कई बार गलती से दूसरे की मोबाइल भी रख लेते हैं या एब्सेंट माइंडेडली वी कीप other's मोबाइल इन आवर पॉकेट कई बार एब्सेंट माइंडेडली हम किसी और का जूता पहन लेते हैं तो ये जानबूझ के जब नहीं होता है अनजाने में होता है तो कहते हैं एबसेंट माइंडेडली अनोइंगली अनोइंगली एब्सेंट माइंडेडली सो so, absent माइंडेडली ही also शव्ड द बखार into his हिज लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट में तो उन्होंने जो कागज़ वगैरह लिखे लिखे थे उसको इकट्ठा किया और डाला जो कोट के पैंट के और लेफ्ट पॉकेट में गलती से दूसरी किताब भी डाल दिए किताब का नाम क्या था बखार बाऊे बखार ये ए, बात यहाँ खत्म होती है लाइब्रेरी की अब क्या होता Now we come to the next part of it.